गाइस यार बड़े दिनों बाद आपके भाई की एक लड़की के साथ डेट है, इसलिए मैं कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो चुका हूँ। चौप कहाँ पर है तू? मेरी बात ध्यान से सुन, शिनचान थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर तुम दोनों मिलके घर का ध्यान रखना। आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। और ऊपर आप जॉब कहाँ पर रहे हो वो फिलहाल मैं तुझे नहीं बता सकता, अगर सक्सेसफुल रहा तो आने के बाद बताता हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे साथ एक लड़की डेट पे जा रही है, पर कैसे यार? मुझे लगता है उसने मेरी शक्ल बराबर देखनी होगी। अबे यार मैं बार बार ये सब क्यों बोल रहा हूँ, खुद को ही पनौती लगा दूंगा। गाइस फिलहाल ये सब छोड़ते और जाते सीधा बैंक में, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़े भी पैसे नहीं है और पहली बार किसी लड़की से मिल रहा हूँ, उसको गिफ्ट वगैरह तो देने पड़ेंगे ना, इसलिए मैं सबसे पहले जाऊंगा एटीएम और वहां से थोड़ा कैश विड्रॉ करूंगा। चलो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए, फटाफट उतर के जाता हूँ अंदर। कितना पैसा निकालो? 1000 काफी होगा? नहीं नहीं यार कम पड़ गया, तो एक काम करता हूँ 10,000 निकाल लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, जल्दी से कार्ड डालता हूँ। ये डाला मैंने पिन और ये आ गए पैसे बाहर। चलो गाइस अभी अपने पास 10,000 रुपए। अरे यार अभी तक उसका कॉल वगैरह भी नहीं आया, कहीं उसने आना कैंसिल तो नहीं कर दिया? गाइस यार अब मुझे डर लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं सामने से ही फोन कर देता हूँ, क्या पता उसको आने में लेट हो गया हो। मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इसके तो ब्रेक फेल हो गए। अरे नहीं सामने से हट जाओ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे लग रहा है मैंने किसी को उड़ा दिया है। जल्दी से जाके देखता हूँ ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। इसकी तो हालत खराब हो गई है, मुझे तुरंत अपने लैब में फोन करना होगा और किसी को बुलाना होगा। जल्दी से कॉल करता हूँ। हेलो मेरी बात सुनो, मुझे इमरजेंसी में यहाँ पर एक एम्बुलेंस चाहिए, जितने जल्दी हो सके फटाफट आ जाओ वरना इसकी जान भी जा सकती है। सर ने जो लोकेशन दी थी वो तो यही की थी। वो रहे सर, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। एक काम करता हूँ गाड़ी को यहीं पर रोकता हूँ। सर मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा तो ये वो पेशेंट है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो चुका है, जल्दी से इसे गाड़ी में बिठाते हैं। मेरी बात सुनो, तुम इसे हॉस्पिटल नहीं मेरे लैब लेकर जाओगे, इसका इलाज मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। तुम बस गाड़ी की स्पीड स्लो मत करना क्योंकि ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अगर हमने सही टाइम पर कुछ नहीं किया तो इसकी मौत होनी तय है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम स्पीड में भगाऊंगा, थोड़ी देर में हम लोग लैब पहुंच जाएंगे। पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। सर चिंता मत करो, ये देखो हम लोग लैब पहुंच गए हैं, गाड़ी को यहाँ रुकाता हूँ, आप जल्दी से नीचे उतरो। चलो फाइनली हम इसे यहाँ पर ले ही आए। इसकी हालत कैसी है डॉक्टर? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरा सारा सामान ले आइए, इसका इलाज मैं खुद करना चाहता हूँ। अरे ये सब क्या है, इसकी बॉडी तो थोड़ी अजीब सी है, इसके बॉडी सेल तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। मैं कितने दिनों से ऐसी ही बॉडी की तलाश में था जो मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए काम आ सके, इसमें वो सारी खूबियां है। डॉक्टर मेरी बात सुनो, मुझे जैसा इंसान चाहिए था वैसा मिल चुका है, हमें इसी की तलाश थी, इस पर ही हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम तैयार हो ना? हाँ सर हम तैयार है, पर क्या ये वो सब झेल पाएगा, मुझे तो चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी को कुछ भी होने नहीं दूंगा, तुम वहाँ से स्विच ऑन कर दो, मुझे लगता है ये वो सब झेल लेगा, हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है। ये सब काम कर रहा है, उसमें कुछ हलचल हो रही है, मुझे लगता है कि इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। गाइस यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ धुंधला धुंधला कैसे दिखाई दे रहा है यार, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ कैसे पहुँच गया, और एक मिनट ये कैसा सूट है और तुम लोग कौन हो, कोई मुझे बताएगा क्या? तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था, फिर हमने तुम्हारा इलाज किया, वहाँ मुझे पता चला कि हमें एक्सपेरिमेंट के लिए जैसी बॉडी चाहिए थी वो तुम्हारी ही बॉडी है, इसलिए हमने तुम पर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ही ये सूट तुम्हारे पास है, अब तुम कुछ समझे? अरे पर मैं ही क्यों, और मुझे करना क्या इसके साथ? देखो करने को तो बहुत सारे काम है, पर अभी मैं तुम्हें बड़े बड़े काम नहीं दे सकता क्योंकि उसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गाइस यार मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, पर चलो ट्राई कर ही लेते हैं। तुम एक काम करो मेरे पीछे आ जाओ, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें स्टार्टिंग में क्या करना है। गाइस यार पता नहीं है कहाँ पर लेके जा रहा है हमें। यहाँ पर मैं तुम्हें मिलाऊंगा तुम्हारी सवारी से, अगर तुमने उसे कंट्रोल में कर लिया और मुझे कुछ ढंग का करके बताया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ये देखो वो भी तुम्हें दिख रही है, वही तुम्हारी सवारी है, तुम इसी पर बैठ के जाओगे। गाइस यार इतनी बड़ी मधुमक्खी, देखो मैं इस पर बैठ तो गया हूँ। ओह मुझे लगा था ज्यादा मुश्किल होगा, पर गाइस हम इसे कंट्रोल कर पा रहे। अब हमें साइंटिस्ट को कुछ ऐसा करके बताना होगा जिससे उनको हम पर भरोसा हो जाए और उन्होंने जिस काम के लिए हमें तैयार किया है ना वो हम कर सके। एक मिनट भाई साहब ये क्या, गाइस यहाँ पर तो चोर पुलिस चल रहा है, पक्का आगे वाली जो गाड़ी है ना उसमें चोर है या कोई गुंडे ही है, कैसे भी करके अगर उस चोर को पकड़वा देना तो हमारा काम बन सकता है। ओहो हो अबे यार ये फायर भी करती है, मुझे ये नहीं पता था, कमाल किया यार ये।
एक काम करते, थोड़ा सा पास जाके फिर से फायर करते। अबे अबे आगे चला गया, आगे चला गया। अबे 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 आगे चला गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक बार फिर से फायर, आज तो इसको जला के रहूंगा। गाइस यार वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो अपनी गाड़ी इतनी तेजी से भगा रहा है ना कि उसमें आग भी नहीं लग रही है। बेचारी पुलिस कब से उसका पीछा कर रही है, अब तक तो थक गई होगी। मैं खुद आधे घंटे से लगा हुआ हूँ। एक काम करना पड़ेगा, मैं इसमें आग तो नहीं लगा सकता या फिर इसे फोड़ भी नहीं सकता, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे टकरा के रुक जाए। उसके लिए मुझे इसके पास जाना होगा। कमोन कमोन प्लीज, तुम अच्छा कर रही हो। गाइस यार क्या गाड़ी ठोकी थी, पर गलती से वापस से पीछे हो गई है। कोई नहीं अभी हम लोग आगे हैं। इसके सामने इतनी आग फेंकूंगा ना, इसको आगे का दिखाई नहीं देगा। गाइस यार हमारा काम बन गया। वाह क्या बात है, फाइनली वो क्रैश हो ही गई। और जरा देखो तो सही, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब भागना। और हाँ नहीं तो कब से पुलिस को भगा रहा था, शर्म नहीं आती है। चलो यार गाइस यार अब चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, अभी अभी हमने एक अच्छा काम किया है, खुद को साबित किया है, तो क्यों ना ये बात साइंटिस्ट को बताई जाए। जल्दी से कॉल करता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। हेलो आप कहाँ पर हो, मुझे बताना था आपको कि मैंने अभी अभी पुलिस की मदद की है। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं काबिल हूँ। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेज बैंक पर आ जाओ, मैं तुमसे वही पर मिलूंगा। अच्छा ठीक है। गाइस यार उन्होंने जैसा बताया था हम लोग मेज बैंक पर तो पहुंच गए। इसको लैंड करना तो मुझे नहीं आता, मैं यही से जंप मार रहा हूँ। ओ भाई साहब, गाइस यार लैंड करना सीखना पड़ेगा वरना ऐसे तो बहुत चोटें लगेगी। चलो कोई नहीं, अब फटाफट से जाता हूँ साइंटिस्ट अंकल के पास और जाके पूछता हूँ कि आगे का काम क्या है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं जो तुम्हें काम देने वाला हूँ वो बहुत ही मुश्किलों भरा है। मेरी जो टेक्नोलॉजी है एंटमैन के सूट की, वो एक लड़की ने चुरा ली है। सब लोग उसे घोस्ट गर्ल कहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। अरे पर वो मुझे मिलेगी कहाँ पर, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ ना कभी उसे देखा है। मैं तुम्हें उसकी लोकेशन देता हूँ, पर जो करना संभल कर करना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो टेक्नोलॉजी उसके पास ही रह गई तो वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकती है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। अच्छा ठीक है, अब चिंता मत करो। गाइस यार हम ये काम करके रहेंगे, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एक तो ये बी कमाल के है यार, और हमारा काम पहले से भी ज्यादा स्पीड में हो जाता है। हम लोग लोकेशन के पास तो पहुंच रहे हैं। लोकेशन तो यही कैसे आ रही है, कहीं ये इस ट्रेन में से तो नहीं आ रही। गाइस यार मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोकेशन तो एक जगह पर रुकी हुई है और ये ट्रेन तो आगे ही चल रही है, पर इतना तो फिक्स है कि वो यही कहीं पर है। कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है। गाइस हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। एक मिनट, वहां पर कोई खड़ा है और लोकेशन भी यही पर खत्म हो रही है। मुझे लगता है कि वही होगी। और ये मैं चला। ओ भाई यार टांग टूट गई। कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम ही वो हो ना जिसने उस टेक्नोलॉजी की चोरी की थी, तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। अभी के अभी ये सूट मुझे दे दो वरना बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुम ये सूट मुझसे कभी नहीं छीन सकते। गाइस यार ये तो मान ही नहीं रही, बड़ी ढीठ है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा इसको। तुम और मुझे सबक सिखाओगे तो फिर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मौत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर वो तो अभी यही पर थी, कहाँ पर गई। ओ वो रही गाइस। ओ भाई साहब गाइस मानना पड़ेगा इसकी पावर तो सच्ची में बहुत ज्यादा है। आप लोग देख रहे हो कैसे रेल रही है ये अपने को। दीदी टाइम प्लीज, थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने अभी तक यार खुद की पावर दिखाई तक नहीं है और ना ही मुझे मौका दे रही है। अब बताता हूँ इसको, आ गया ना जोश में भाई। अरे नहीं 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 नहीं, घुमाना मत घुमा मत घुमा मत, मुझे ऑलरेडी चक्कर आ रहे हैं। यार गाइस उस साइंटिस्ट ने सही कहा था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज अगर मैंने इसे नहीं मारा ना तो ये अपनी जान ले लेगी। इसकी तो मैं जैसे मारने जाता हूँ गायब हो जाती है, फिर पीछे से आके वार करती है। कायर गाइस अभी मुझे चांस मिला है, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। उस साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं अपना साइज छोटा भी कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, छोटा हो जाता हूँ ताकि उसे मारने में थोड़ी मुश्किल हो, देखते है कि हो पाता हूँ या नहीं। 1 2 3 हो जा प्लीज। गाइस आप लोग देख रहे हो, हम लोग तो एक चींटी जितने बन गए, मतलब उससे थोड़े से छोटे होंगे। अब जाके उसे बताता हूँ कहाँ गई। सामने आ, अब तो उसे छोड़ूंगा नहीं गाइस। ओ ओ भाई 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 भाई, मुझे तो लगा गाइस इसको मुश्किल होगी, ये तो ऐसे का ऐसे पटक रही है। इसने समझ के क्या रखा है मुझे कॉकरोच, खाली साइज उतना है, पावर बहुत ज्यादा है। रुक इसको बताता हूँ। गाइस यार ये तो मौका ही नहीं दे रही है, ना हम लोग बड़े थे तब मौका दे रही थी, ना मैं छोटा हूँ तब। कहीं मच्छर जितनी साइज हुई है, मच्छर जैसा कुचल ना दे अपने को। अब बताना अब बताना। गाइस यार सीधा पैर पे वार हो रहा है, और वैसे हम लोग पैर पे ही वार कर सकते हैं। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ओ छोड़ 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 छोड़। गाइस यार मुझे नहीं लगता इससे भी काम बनेगा, मैं देखता हूँ इस सूट को अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं। गाइस यार क्या बात है, अबे यार सूट की तारीफ भी करने नहीं दी, आके सीधा घुमाना चालू। एक काम कर, मेले में जा सबको ऐसे घुमाना और वहां से पैसे लेना। हाँ नहीं तो कब से घूम 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 घूम, बहुत मजा आ रहा ना तेरी तो, ये ले। गाइस यार अब जाके मजा आ रहा है, जैसे हमने सूट को अपग्रेड किया इस पे हम लोग भारी पड़ने लग गए। अब इस डंडे से धुलाई करते इसकी, ये ले। क्या हुआ क्या हुआ, क्या लगी होगी इसको,
इसकी साइज देख रहे हो आप लोग, अब ये खा और ये ले। इसको लगा था ये अपने को मार देगी, पर ये बहुत बड़ी गलत फहमी में थी। आज तो इसे खत्म करके रहूंगा। ओ ओ ओ आउच यार, बहुत जोर से मारा। अब ये ले, मैं भी देखता हूँ कब तक बचती है। ये खा और ये ले। भाई साहब गाइस यार मजा आ रहा है, कब से मार रही थी ना, अब इसको शौक लगा रहेगा। अब बेचारी हिल तक नहीं पा रही है। और ये गई, अबे कहाँ गई? ये रही गाइस, आखिरकार हमने इसे मार गिराया। साइंटिस्ट मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी से फोन करता हूँ। हेलो सर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया है। वो यहीं पर गिरी पड़ी है, हिल भी नहीं रही है, अभी अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप जल्दी से आके मुझसे मिलो, मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। वाह वाह क्या बात है, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने ये कर दिखाया। मुझे तुम पर फक्र है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, तुम इस सूट के काबिल हो। अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये किसी काम की नहीं है। और तुमने तो खुद से सूट को अपग्रेड कर लिया, इसके बारे में तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। तुम्हें तो अवेंजर में शामिल होना चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। पर कुछ नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम मेरे साथ चलोगे। अरे पर मेरी एक बार बात तो सुन लो। ना कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। ये देखो, ये रही अवेंजर की सारी टीम। कैसे हो टोनी, मैं तुमसे मिलाने के लिए एक जन को लाया हूँ। वो इस एंटमैन के सूट में है, उसका नाम फ्रैंकलिन है। अरे यार मैं कब से बता रहा हूँ कि मैं इन सबको जानता हूँ, ये मेरे दोस्त है। अरे यार ये तो फ्रैंकलिन है, ये हमारे साथ बहुत बार काम कर चुका है, ये पहले से ही हमारी टीम का हिस्सा है। तुम इसी से मिलाने मुझको लेके आए हो, इसने तुम्हें बताया नहीं कि ये हमें जानता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक बात अच्छी हो गई, तुम्हें एंटमैन का सूट मिल गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर अगर तुम्हें अवेंजर में शामिल होना है तो तुम्हें एक नए सूट की जरूरत होगी जो कि अवेंजर टीम का है। अच्छा ठीक है पहना दो। ओ गाइस ये सूट तो काफी ज्यादा कूल है। अरे वाह मुझे तो पता भी नहीं था तुम इन सबको जानते हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। गाइस यार मजा आ गया, ये तो हमें हमारे दोस्तों के पास ही लेके आया। पर अगर आप भी मेरे दोस्त हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।